तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्शन। और हमारे साथ एक नए यूजर है जो है भगवान जी है। तो चलिए स्टार्ट करें सर। भगवान जी आज हाँ ठीक है। तो मुझे देखिए, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि क्यों सीखना चाहते हैं एक्सेल। एक्सेल सीख के आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि मैं अपने क्लासेस की एग्जाम्पल जी एग्जाम से बनाऊं। सर एक्चुअली ये मुझे इसमें जरूरत पड़ती है मेरे बिजनेस में। मुझे रिपोर्ट्स का अगर मुझे शॉर्टिंग करना है। ओके तो आपका बिजनेस है ना, राइट? हाँ। तो किस तरह का डेटा होता है? एक्सेल का ही मैक्सिमम होता है डेटा। ओके तो चलिए हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि एक्सेल जो हम सीख रहे हैं, आखिर इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पे और किस किस तरह से होता है, राइट? इसके बारे में एक बार हम यहां पे डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल हम किन जगहों पे करते हैं। जहां तक मेरे एनालिसिस करती है कि मैं हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करीब चार जगहों पर, चार चीजों के लिए करते हैं। पहला होता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज मतलब कि जब मुझे कोई डेटा का टाइप करनी है या कोई डेटा को स्टोर करना है तो हम एक्सेल का ही चुनाव करते हैं। मतलब ये समझिए ना कि एक्सेल जो है रजिस्टर है। पहले जो काम रजिस्टर से हुआ करते थे वो काम अब एक्सेल से होते हैं। तो एक्सेल लाइक ए रजिस्टर, ठीक है? तो किसी भी तरह का टेबल, किसी तरह के डेटा, किसी तरह के वाउचर एंट्री करनी हो तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना है, या आपको किसी पेटी कैश का रिकॉर्ड रखना है, या किसी भी तरह का कॉलिंग सेल्स का डेटा रखना है, तो एक्सेल हम इस डेटा स्टोरेज डेटा एक्सेल की यूज करते हैं। लेकिन ये स्टोरेज जो है, याद रखिएगा, ये कोई डेटाबेस नहीं है, राइट? आप जो चाहेंगे कि डेटाबेस की तरह इस्तेमाल करना लार्ज डेटा के लिए और सिक्योर डेटा के लिए, तो एक्सेल इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि एक्सेल कोई डेटाबेस नहीं है। एक्सेल एक रिपोर्टिंग एंड कैलकुलेटिंग एनालिसिस टूल्स है, राइट? बट डेटा स्टोरेज डेटा या डेटा को भी स्टोर करता है तो भी ये डेटा स्टोरेज किया जा सकता है, लेकिन एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। क्योंकि ऐसे इसमें अगर 1.5 से 2 लाख का डेटा डालने के बाद, रॉ डेटा डालने के बाद एक्सेल खुद ब खुद स्लो वर्किंग हो जाता है, हैंग होने लगता है, करप्ट होने के चांसेस होते हैं। और इसमें आपने पास प्रोटेक्शन कर दिया तो इसकी फाइल डिलीट होने के चांसेस होते हैं। फाइल मैंने पासवर्ड लगा लिया फिर भी कोई इसको क्रैक करके खोल सकता है, तो इन सब चीजों का प्रॉब्लम। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है सर। अब इसमें हम बात करते हैं तो इसको यूज कहाँ करते हैं, तो स्मॉल डेटा पे, जैसे कि हम लोग का डेटा है स्मॉल डेटा के लिए यूज करते हैं। ज्यादा सिक्योर डेटा के लिए जैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह ना डालने की हम सलाह देते हैं इसमें, अगर पीसी नेटवर्क में है, ऐसा लग रहा है कहीं है तो इसलिए। तो कौन सी डेटा स्टोर करेंगे, और तो इसमें हमारा कैलकुलेटिव डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सैलरी कैलकुलेट करना है तो सैलरी डेटा और अटेंडेंस डेटा यहाँ पर रखेंगे। मान लीजिए आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आपको कमीशन कैलकुलेट करने हैं, तो ऐसे जो डेटा जो या फिर हमें एनालिसिस करना है, एक समरी बनानी है, एक रिपोर्ट निकालना है। मान लीजिए आपके पास सेल्स का पूरा डेटा आपके सॉफ्टवेयर में है, आपको एसक्यूएल ऑरिकल ऐसे बहुत सैप ऐसे डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो आपके पास सेल्स का डेटा, लेकिन आपको मंथली प्रोडक्ट बाय सेल्स स्टोर चाहिए, किस महीने में कौन सा प्रोडक्ट ने कितनी क्वांटिटी और कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। अब इसकी डिटेल्स हमें चाहिए, तो इसकी हमें इसकी समरी निकालने के लिए इसके डेटा एक्सेल में तो लाना पड़ेगा ना, तब इसकी समरी निकालेंगे ना हम, बराबर। तो ऐसे ऐसे एनालिसिस डेटा को स्टोर करने का काम डेटा स्टोरेज करता है, राइट?
अब कैलकुलेशन, अब इजीली यहां पे कैलकुलेशन किया जा सकता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि मुझे यहां पे क्या है कि मेरे पास यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे मान लीजिए कि प्रोडक्ट नेम है और यहां पे उस क्वांटिटी है, यहां पे एमआरपी है। तो यहां पे मुझे इसका अमाउंट निकालना है, फिर यहां पे जीएसटी निकालना है, फिर यहां पे कमीशन निकालने हैं, फिर यहां पे इसका टोटल करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मैंने प्रोडक्ट का डीवीडी क्वांटिटी अगर 32 है और एमआरपी अगर 80 रुपीज पर पीस है, तो अमाउंट के लिए जस्ट इस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम इजीली किसी को यहाँ पे किसी सेल को किसी अनदर सेल के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है, लेकिन बाकी डेटाबेसिस में जैसे एक्सेस है, ऑरिकल है, तो उसमें क्या होता है कि फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है, एक सेल कैलकुलेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे सेल मतलब टू सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहीं पे मैं जीएसटी, यहाँ पे इजिली मैं परसेंटेज, जैसे कि मान लीजिए मुझे 18% जीएसटी निकालना है, तो यहाँ परसेंटेज सिंपल देंगे, जीएसटी आ जाएगा। कमीशन मान लीजिए मुझे इसका 2% कमीशन देना, तो इजिली इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इसका ऐड कर सकते हैं। और आपको कैलकुलेशन करना है सिर्फ एक सेल में। अब मुझे बाकी नीचे भी एंट्री करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे कंट्रोल सी कंट्रोल वी या ड्रैग कुछ भी कर दूं, तो अब नीचे भी कैलकुलेशन हो सकता है। यहाँ पे अब मैं कोई और प्रोडक्ट डालूंगा, जैसे मैंने पेन ड्राइव रख दिया, पीडी रख दिया, मैंने लिया 10 2500 के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आपका बाकी कैलकुलेशन हो गया। तो इस तरह कैलकुलेशंस या कैलकुलेशंस करने के लिए हम अपनी एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। दूसरा एनालिसिस के लिए, तो किस तरह की एनालिसिस, किस तरह की इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए एक्सेल का इजीली इस्तेमाल होता है। अब इसीलिए एक डेटा ओपन करता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, ये आपको दिख रहा है एक सेल्स का डेटा है, जिसमें से डेट है, सेल्स मोड है, सीआईडी है, नेम है, वगैरह वगैरह सब कुछ किया हुआ। मुझे इसे पता करना है कि किस प्रोडक्ट ने, किस कस्टमर के, कौन से कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट कितनी मात्रा में लिया है। अब यहां पे क्या है कि एक कस्टमर कई बार रिपीटेड है और एक प्रोडक्ट भी कई बार रिपीटेड है, तो इसको इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेल में मुश्किल से 30 सेकेंड भी काफी है। बस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, पिवट टेबल लगाइए, और यहाँ पे हमने मान लीजिए नेम को रख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट को रख दिया, और यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी को रख दिया। क्वांटिटी का रह गया, हाँ ये रहा, सॉरी तो नजर कमजोर हो गई क्या मेरी, ठीक है। ये एनालिसिस मुझे मिल गया। अब एनालिसिस प्लस रिप्रेजेंट, अब मुझे ये रिपोर्ट किसी को रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब क्या है, ये लगाना मुश्किल है कि इसमें सबसे हाईएस्ट सेल किसने और सबसे हाईएस्ट परचेजिंग किसने किया है, किस कस्टमर ने किस प्रोडक्ट के की है, यहाँ पे देखना मुश्किल है ना सर। इसके लिए हम अपनी विजुअलाइजेशन, तुरंत हम पिवट चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और विजुअलाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा, इजिली पता चल जाएगा किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा सेल हुआ है। जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस ये जो आपका है इसी उदय ने सबसे ज्यादा सेल लिया है, तो एनालिसिस के लिए, इस तरह के एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, राइट। और ठीक है, बात हमारा आता है शेयरिंग, जो डेटा हमारा है उस किस तरह की रिपोर्ट, किस तरह के डेटा को शेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एक्सेल को। मान लीजिए आप, मान लीजिए आपको कोई डेटा भेजना है, कोई रिपोर्ट भेजना है, कुछ ऐसी चीज भेजनी है, तो मुझे आपको भेजने के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर क्या करेंगे, एक्सेल को ही प्रेफर करेंगे ना सर। अब मान लीजिए मेरे पास टैबलू भी है, मेरे पास पावर बीआई भी है, अब इस पर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा आपको भेजूंगा, तो इसको देखने के लिए आपको टैबलू पावर बीआई होना चाहिए ना, या सैम्पली है, सैम्पली होना चाहिए ना आपको सर, क्या। पावर पावर बी आई ये किस तरह के एप्लीकेशन है? पावर बी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है जो कि डैशबोर्ड्स बनाती है, डेटा मतलब डेटा विजुलाइजेशन का काम करती है, मतलब क्रिटिकल बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डैशबोर्ड इजीली बना देते हैं। ये मतलब देखा नहीं कभी, बीए और पावर बी आई।
कभी यूज नहीं किया। पावर बी आई जो है ये नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का है। आपको मैं एक काम करूँगा, इस पर 2-4 क्लास और ही दे दूंगा। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि पावर बी आई के जरिए क्या होता है। पावर इमेज दिखा देता हूँ आपको, इस तरह की इमेजेस जो दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह की इमेजेस दिख रहे हाँ, हैं, ये सब पावर बी आई से बनते हैं जो तो डैश। मतलब रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, हाँ, ये पावर बी आई से बनता है। पावर बी आई खाली एक्सेल के लिए चलता है या दूसरा नहीं भी नहीं यूज करते एक्सेल हैं? नहीं, किसी भी डेटाबेस पे होता है, एक्सेल से कोई लिंक नहीं, एक्सेल से इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़े। ठीक अब इसमें अब इसका एक्सेल का पार्ट है, राइट। अब ये आपका पार्ट हो गया एक्सेल का। अब एक्सेल का दूसरा पार्ट है, वो है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जो है, जो मेरी क्लास की टॉपिक है ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन जिसमें हम बात करते हैं, ऑटोमेशन में मैं ऑटोमेशन दो तरीके से कराता हूँ। एक तो आपका फॉर्मूला है, जो कि आपकी जो कैलकुलेशन वाली पार्ट है, इसमें फॉर्मूलाज कवर है, मोर देन 200 फॉर्मूलाज। तो हम जैसे कि मान लीजिए कि आपको हर महीने सैलरी निकालनी पड़ती है, राइट। तो हर महीने आप जो पूरी डेटा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बजाय हम एक फॉर्मूला की मदद से एक ऑटोमेटेड सीट बना देंगे कि नेक्स्ट महीने में जस्ट आप अटेंडेंस डालेंगे और आपका पूरा का पूरा सीट तैयार हो जाएगा, इसकी सैलरी स्लिप से लेकर हर एक चीज, ठीक है। और दूसरा ठीक है। है वीवीए। वीवीए का दो काम है, एक काम है ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन और योर वर्क नो रिपोर्ट, हर तरह के वर्क को ऑटोमेशन करना। और एक्सेल में जो चीज नहीं है या है लेंदी है, उसको उसके ऐसे ऑप्शंस को कस्टमाइज करना या नए ऑप्शंस बनाना। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सैलरी का एक सैलरी सिस्टम तैयार किया, राइट। अब उस सैलरी सिस्टम को अगर किसी 5 लोगों को मेल कर दिया आपने, 10 लोगों को मेल करना, मान लीजिए आपके स्टाफ, मान लीजिए 1,000 स्टाफ आपके कंपनीज में हैं या 1,000 कस्टमर्स हैं, अब आपको उनके स्टेटमेंट्स या उनकी सैलरी स्लिप भेजना है। तो सैलरी का डेटा आपका एक्सेल में है, सैलरी स्लिप आपका एक्सेल में क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपके 1 बाई 1 क्रिएट होता है। तो आप वीवी की मदद से क्या करेंगे कि एक बटन पे क्लिक करते ही हजारों सैलरी स्लिप एक कुछ ही सेकेंड्स में आपके सिस्टम में सेव हो जाएंगे और उनके मेल आईडी पे आउटलुक के थ्रू या जीमेल के थ्रू मेल भी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे काम आपका वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग करेगा। जो हमारे कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जिसमें एक्सेल और वीवी दोनों है, उसमें एक चीज आपका है, अगर आप सिर्फ एक्सेल लेते हैं तो फिर आपका ये सारा पार्ट और ये आपका फॉर्मूला आता है, राइट सर। ओके, वीबी नहीं इसमें। हाँ, वीवी वीवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलग एक लैंग्वेज हो गया। इसके लिए तकरीबन आपको 45 घंटे के आसपास की क्लासेस कम से कम लेनी होगी, तो समझ में आया। हम बात करते हैं, अब हमने आपको ये बताया, मैं अपनी जो मेरी करीब जो मेरी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग बनाया कि हम एक्सेल को इन चीजों पे यूज कर सकते हैं, और कहाँ इसकी लिमिटेशन है वो भी बताया कि स्टोरेज में आपको डेटाबेस तक की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमारा एक प्रॉब्लम। ठीक है। और जो बाकी प्रॉब्लम्स है, एनालिसिस में, कैलकुलेशंस में, शेयरिंग में जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हमारे पास वीवीए है, तो उस प्रॉब्लम को हम वीवीए के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दावा तो मैं नहीं कर सकता कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम का 100% ऑटोमेशन हो सकता है, हो सकते हैं कुछ ऐसे रिपोर्ट्स 100% नहीं, तो एटलीस्ट 80% तो ऑटोमेशन एक्सेल और वीवीए मिलकर कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसकी लर्निंग के लिए जो आप सीखने जा रहे हैं, उसको सीखने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे आपके पास बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट।
बेसिक एक्सेल थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कि ठीक बेसिक एक्सेल की नॉलेज है या नहीं है, ये हम कैसे आइडिया करेंगे। तो मैं आपका कोई टेस्ट नहीं लूंगा, हाँ कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं उससे आइडिया लगेगा, क्योंकि टेस्ट से ही पता नहीं चलता है ना सर कि आता है कि नहीं आता है। तो हमारे पास एक 4 घंटे का प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, जो किसी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम हर स्टूडेंट को देते हैं देखने के लिए, और ये भी आपने ठीक है एक व्हाट्सएप कर दिया, इसको आप देख लीजिए, राइट। ठीक है और दूसरा होना चाहिए आपके पास टाइम। अब ये चीज जरूरी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, कोर्स करना मेरे यहाँ या कहीं भी कोर्स करना ये आपके लिए वेस्ट होगा। क्यों होगा वेस्ट? इसलिए कि अब एक्सेल, जैसे कि मेरे हिसाब से जो एक्सेल है जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नीड एवरी प्रैक्टिस, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। हाँ बराबर तो मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, और ये प्रैक्टिस हमारे पास, ये तो प्रैक्टिस आप ही खुद करेंगे। तो इसके लिए आपको अगर क्लास के बाद 1-1.5 घंटे का टाइम प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होगा। अभी आप बोलेंगे सर कि मैं ऑफिस में प्रैक्टिस दिन भर तो एक्सेल पे ही काम करता हूँ, जी नहीं, ऑफिस हाँ में तो आप भी पहले भी काम करते थे क्या? तो आपको क्लास के हिसाब से सिक्वेंसली प्रैक्टिस करना हो। क्या होता है, ट्रेनिंग लेने का ये क्या है, मतलब कि तरीका ये है, मैं जब बताता हूँ स्टूडेंट को कि सबसे पहले तो आप जो है क्लासेस को रिवीजन करें, जो मैं कराया है उसको रिवीजन करें, जैसे मैंने आपको मेरे जो कोर्स भी बताया उसको समझे आप, फिर उसको रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद रिसर्च करें, रिसर्च जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक के ऊपर हम आपको 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे, राइट, ओके आपको हम 3 एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन उसके बहुत सारे 3 एग्जाम्पल या बहुत कोशिश करोगे तो मैं 5 बता दूंगा। तो ये 5 एग्जाम्पल से आप जो है एक्सपर्ट नहीं बनेंगे सर, आपको उस 5 एग्जाम्पल को रेफरेंस में लेके 50 और नए एग्जाम्पल खोजने के लिए टाइम होना चाहिए। समझ रहे हैं सर मेरी बात को? तो उस रिसर्च करने के लिए आपके पास टाइम तो होना चाहिए सर, बराबर और इसलिए मैंने बोला कि आपके पास इसके लिए टाइम होना जरूरी है, अगर टाइम नहीं है तो मुश्किल है सर। ठीक क्या? तो क्योंकि ऐसा देखिए, इसलिए है इसलिए बता रहा हूं हाँ मैं, क्योंकि हाँ हमारे पास सारे आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं और उनके पास हाँ कमी होती है एक ही चीज की, टाइम की। क्लोज बराबर ज्वाइन कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बाद में उनके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, बस क्लास क्लास आते थे, क्लास में रहते थे। तो बोले कि क्लास में सीखने से क्या फायदा, वो तो यूट्यूब पे ही बड़ा है, हजारों लाखों वीडियो पड़े हैं। वो भी है लेकिन वो समझ में नहीं आता उतना हाँ तो समझ में तभी आएगा जब उसकी सिक्वेंस से प्रैक्टिस करेंगे ना। आप मेरी क्लास भी ज्वाइन करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा मेरा बात वो भी सही है क्या। अब मान लीजिए ना कि जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा तब तक आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर पाएंगे आप? नहीं बच्चों को टेबल क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि वो मल्टीप्लाई भी कर सके। बराबर तो वही बात है, तो उसी तरह से यहाँ पे है कि यहाँ भी अगर आपको हमने कुछ पढ़ाया तो अगले टॉपिक में वो कनेक्टेड है, तो अगले टॉपिक में आपको वो चीज पूछेगा तो वो चीज जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। बराबर ठीक है, तो अभी जो मैंने वीडियो दिया है सर आपको एक बार देख लीजिए, और ये टाइम आपके लिए सुटेबल है।